हमारी ज़िंदगी घोड़ों की तरह है, अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, रेस जीतना है या तांगे खींचना है। अफसोस की बात तो यह है कि 100 में से 99 घोड़े रेस में भाग ही नहीं लेते, रेस से डरते हैं और ज़िंदगी भर सूखे घास खाने के लिए दर बदर दौड़ते रहते हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत को निचोड़ोगे तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान से कई गुना ज़्यादा परिश्रम मिलेगा। एक सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच जो दीवार है वो है डर। तो अगर आपने डर को मार दिया तो आप 99 की भीड़ से निकलकर एक में शामिल हो जाओगे। यकीन मानिए, ये वो लोग होते हैं जिनके हौसलों का वजन हिमालय से ज़्यादा होता है। और एक बात आप याद रखिए, एग्ज़ाम में बैठा हुआ इंसान ही पास या फेल होगा। अगर आप पास होते हैं तो आप भीड़ के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, और अगर आप फेल होते हैं तो भी आप भीड़ के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। याद रखिए, 99% लोग जिंदगी भर परीक्षा के नाम से ही डरते हैं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। एक कामयाब इंसान की कामयाबी को हर कोई कॉपी करता है, लेकिन उसने जो कामयाबी की कोहिनूर हासिल करने के लिए सूरज चांद का घोल बनाकर सालों साल पिया था, प्रेम को समझने के लिए सिर्फ प्रेम कहानियां और कविताएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है माँ को चाय में चीनी कम डालते हुए और पापा को उनकी चाय की तारीफ करते हुए मैंने देखा है। इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा हर रोज सिर्फ एडिक्टेड अड्डा पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।